Polonium source. It was expected that alpha particles would go right through the foil with hardly any deflection. Although most of the alpha particles indeed were not deviated by much, a few were scattered through very large angles. Some were even scattered in the backward direction. The only way to explain the results of Rutherford found was to picture an atom as being composed of a tiny nucleus in which its positive charge and nearly all its mass are concentrated. Scattering of alpha particles is proportional to the target thickness and is inversely proportional to the fourth power of sine theta by 2, where theta is the scattering angle. Distance of the closest approach may be calculated as R minimum. A closest अप्रोच है तो इसीलिए वो आर मिनिमम है इट मिनिमम डिस्टेंस सो आर मिनिमम इज इक्वल टू जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाइप साइलेंट नॉट के वेयर के इज़ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स अब सवाल क्या है कि जो राधव का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला तो देखो सारी चीज़ें अब इस पैराग्राफ में ही या इस कॉम्प्रिहशन में ही गिवेन है कि जब ऑनिस्ट राधव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया अपना एल्फा एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये नाम था इनके एक्सपेरिमेंट का एल्फा पार्टिकल ठीक है अब जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार कराया एक थिन गोल्ड फॉइल पे तो क्या हुआ कि कुछ मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा रेज जो थी वो तो पास कर गई बट एक आ, मतलब अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ जो अल्फा रेज थी वो थोड़ी सी डेविएट हुई और उससे भी कम नंबर ऑफ़ अल्फा रेज बिल्कुल ही वन एटी डिग्री से वापस मुडकर आ गई ठीक है तो जो ये तीन ऑब्जरवेशन्स हमने देखी तो इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक एटम है उसके सेंटर में एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज uh, कोई सब्सटेंस uh, प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके एटम के सेंटर में जिसे हम अब न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है तो उसी कारण देखो जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है तो जब अल्फा रेज को हमने डाला और वो सेंटर की तरफ आई तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो क्या हुआ वो वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ के चली गई मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आई थी वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ गई ठीक है अब ये थी जो सामने सामने इससे भिड़ रही थी अब कुछ ऐसी अल्फा रेज भी थी जो थोड़ी सी दूर थी अब वो डेविएट हो गई थोड़ा सा गई वो वो वापस नहीं मुड़ी वो थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो गई और ऐसी बहुत सी रेज थी जो इससे दूर थी तो वो सीधी की सीधी पास हो गई क्योंकि इस न्यूक्लियस का इफेक्ट उनके ऊपर था नहीं तो जो ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो मास और पॉजिटिव चार्ज है एक एटम का इट इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन देंटर ठीक है तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्लास एक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर